मार सकता हूं क्योंकि ये बिल मेरे लिए बिल्कुल पवित्र है। फिर दोबारा जीतते हैं। अब आप क्या सोचेंगे कि ठीक है बिल तो रेडी है आ जाएगा। बिल नहीं आता, आप नियत देखिए, बिल नहीं आता, चर्चा हो रही है, अभी विचार कर रहे हैं, फिर उसके बाद कहा जाता है कि जरा बता तो दीजिए क्या चर्चा हो रही है। नहीं नहीं नहीं, चर्चा तो होनी चाहिए, चर्चा की कोई जरूरत नहीं, कैबिनेट से पास हो गया। फिर उसके बाद कैबिनेट से पास हो जाता है। देश के लीडिंग राइट टू इंफॉर्मेशन के लोग, उन्हीं के अपने सहयोगी अरुणा रॉय जिन्हें वो अपना गुरु बताते हैं, वो प्रशांत भूषण बोगरा चिट्ठी लिख के कहते हैं कि आपकी कैबिनेट ने अब डिसाइड कर दिया, अब आप सार्वजनिक कर दीजिए, बता दीजिए क्या किया है आपने। तो दुनिया भर से ट्रांसपेरेंसी मांगने वाले इस देश दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं नहीं, ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, नहीं बताएंगे। आप दुनिया भर से ट्रांसपेरेंसी मांग रहे थे, आप कहा करते थे कि कमरे के अंदर कैमरे होने चाहिए ताकि दुनिया को दिखे। आप अपना बिल सार्वजनिक नहीं करते हैं। सार्वजनिक कब करते हैं? जिस दिन आपके लिए लीगल मजबूरी बन जाती है उसको सार्वजनिक करना, 48 घंटा पहले। और वो भी जब बिल सार्वजनिक हो जाता है, आपने याद किया होगा उन दो दिनों में जब सार्वजनिक हो गया था 48 घंटा पहले, तो बाकायदा धमकी दी गई कि ये तो ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी हो गया, लीक करने वाले कौन लोग हैं, हम उनको देखेंगे। ये दुनिया में ट्रांसपेरेंसी लाने वाले लोग हैं, आप इनकी नियत देखिए। और फिर उसके बाद जब आता है तो क्या कहा जाता है, अरे छोड़िए डिट्टो वही है 2014 वाला, डिट्टो शब्द आपने याद है ना, रामलीला मैदान वाला कॉमा फुल स्टॉप वही है। पता नहीं लोग कैसे बात करके सोच रहे हैं कि अगली बार कैमरे के सामने कैसे आएंगे, फिर आ भी जाते हैं, कॉमा फुल स्टॉप वही है। फिर उसके बाद पता लगता है कॉमा फुल स्टॉप को छोड़ के सब चीज बदली हुई है। फिर अगले दिन क्या आता है कि अरे अरे वो रामलीला मैदान छोड़िए, ये जो 2014 में बुलाया था एग्जैक्टली वही है। और देखिए प्रशांत भूषण कैसा आदमी है, 2014 में सपोर्ट करता था, आज पलट गया, देखिए कैसा झूठा आदमी है। 24 घंटे में वो पता लग जाता है कि वो भी वहां पे भी कॉमा फुल स्टॉप ही सेम था, बाकी सारी चीज बदली हुई। और फिर उसके बाद क्या बेशर्मी, फिर उसके बाद वो उप मुख्यमंत्री सदन में आके बोलते हैं कि हमें बदलना पड़ा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया हुआ है। और वो जजमेंट क्या है, वो एमिनेंट पर्सन जो हैं उनकी अपॉइंटमेंट का रास्ता बंद कर देता है, इसलिए हमें बदलना पड़ा। मजे की बात ये है कि 2014 के पूरे उस ड्राफ्ट में एमिनेंट पर्सन शब्द का जिक्र ही नहीं है। और अगर आपको अब तक पूरा मजा ना आया हो तो कल शाम को माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जो संशोधन इंट्रोड्यूस किए हैं उसमें उन्होंने एमिनेंट पर्सन का जिक्र किया। परसों जो कह रहे थे कि हमें जिस शब्द की वजह से पूरा बिल बदलना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से बदलना पड़ा, क्योंकि ये शब्द अलाउड नहीं है, वो शब्द ओरिजिनल में था ही नहीं, और ये इन्होंने कल शाम को इंट्रोड्यूस किया, जो अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया है उसमें कहते हैं एमिनेंट पर्सन को अपॉइंट।